हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं राजा टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका स्मार्टफोन गर्म होता है या हैंग होता है, हीटिंग प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका स्मार्टफोन गर्म या हैंग क्यों होता है, इसकी क्या वजह और इसका क्या सोल्यूशन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने स्मार्टफोन में 200 एप्लीकेशन भी अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो भी आपका फोन ना हैंग होगा ना गर्म होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, 200 एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल हो सकती है, इतनी तो हमारी रैम की मेमोरी नहीं होती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पॉसिबल है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका स्मार्टफोन गर्म या हैंग क्यों होता है। तो दोस्तों, इसके पीछे जो वजह है वो है हमारी एप्लीकेशंस, क्योंकि हमारी एप्लीकेशंस काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और ये जितनी ज़्यादा हम अपने फ़ोन में भरते जाते हैं, हमारी मेमोरी उसमें फुल होती जाती है, हमारी रैम पर लोड बढ़ता जाता है, इसकी वजह से हमारा फ़ोन गर्म होना शुरू हो जाता है और हैंग भी होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज आप अगर देखेंगे, अगर आप फेसबुक को इंस्टॉल करते हैं तो तकरीबन 45 से 50 एमबी की आपको ये एप्लीकेशन मिलती है, और अगर आप मैसेंजर को भी इंस्टॉल करते हैं साथ में, तकरीबन 25 से 30 एमबी का आपको मैसेंजर, यानी कि दो एप्लीकेशन मिलकर आपकी 80 से 100 एमबी ले लेती हैं। इसके बाद जब ये रन करती हैं तो इनका टेम्पररी डाटा इकट्ठा होता जाता है, तो उससे भी आपकी मेमोरी बढ़ती जाती है। तो आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सोल्व कर देगी। तो चलिए उस एप्लीकेशन को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जितनी भी एप्लीकेशंस मिल रही हैं दोस्तों, ये सारे लाइट वर्जन आपको मिल रहे हैं और इसमें वही फीचर मिलेंगे आपको जो आप प्ले स्टोर से लेते हैं और उनमें जो आपको फीचर मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फेसबुक देख सकते हैं, तो आपकी फेसबुक जैसे 45 से 50 एमबी की होती, तो यहाँ पे आपको फेसबुक सिर्फ 1 से 1.5 एमबी में मिल जाएगी। मैसेंजर आपको 1 से 1.5 एमबी में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम वगैरह 1 से 1.5 एमबी में मिल जाएगा। ट्विटर वगैरह जितनी भी एप्लीकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अमेजोन वगैरह जितनी भी आप यूज करते हैं एप्लीकेशन, सबके लाइट वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि अगर आप एक फेसबुक और मैसेंजर को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो आपके 80 से तो आपकी स्टोरेज 80 से 90 एमबी भर जाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी वही दोनों एप्लीकेशन सिर्फ 2 एमबी में आ जाएंगी। तो इस हिसाब से आपका कितना स्टोरेज बचता है। तो इसी तरह से अगर यहाँ से आप 1-1 एमबी की 200 एप्लीकेशन भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, आपके फोन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि अभी आप जो 4 एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से लेते हैं वही 200 एमबी की हो जाती है। तो उस 200 एमबी में आप सोच सकते हैं, यहाँ पे आप 200 एप्लीकेशन यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका फोन ना गर्म होगा ना हैंग होगा, और आप पहले से ज्यादा एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे। क्योंकि आप प्ले स्टोर से अगर लेते हैं तो अगर आपकी 1 जीबी मेमोरी है या 2 जीबी की आपकी रैम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वही सारी एप्लीकेशन यहाँ से लेते हैं तो आप सिर्फ 15-20 नहीं बल्कि 200 एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल लाइट एप्लीकेशन है और फुल फीचर आपको मिलेंगे। जो फुल फीचर आपको प्ले स्टोर से मिलते हैं वो यहीं पे मिलेंगे, और इससे आपका फोन गर्म भी नहीं होगा और हैंग भी नहीं होगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई एप्लीकेशन यहाँ नहीं मिलती है तो यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप उस एप्लीकेशन को बना सकते हैं, और इस ऑप्शन में आपको रेडीमेड एप्लीकेशन मिलती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो और एप्लीकेशन जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतने, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।